नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जनवादी महिला समिति व हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने निकाला रोस मार्च। हाथरस में हुए जघन्य कांड में की निंदा कर मृतक पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की मांग भी की गई। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। सिरसा में आज जनवादी महिला समिति एवं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति सिरसा के संयुक्त प्रयास से दलित अधिकार मंच द्वारा और उसकी अगुवाई में हाथरस के जघन्य कांड व उससे हुई दरिंदगी पर रोष मार्च निकाला गया। रोष मार्च शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होकर के बाल भवन में जाकर संपन्न हुआ। यूपी की भाजपा सरकार द्वारा मामले को दमन के जरिए दबाने के खिलाफ तथा मृतक पीड़िता एवं उसके परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर अभियान हम अगर उठे नहीं तो के अंतर्गत आज सिरसा के दलित शोषण मुक्ति मंच के आश्वासन पर सिरसा में विभिन्न सामाजिक संगठनों व जन संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। आप जैसा कि आप सभी को पता है हाथरस में जो दरिंदगी की गई उस घटना को और उसमें पीड़िता की मृत्यु हुए एक महीना हो गया, लेकिन सरकार जो है कोई भी किसी तरीके से आरोपियों के ऊपर जो एक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। और इस एक महीना बीतने के अवसर पे पूरे भारत में अगर उठे नहीं अभियान और दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा एक कॉल दी गई कि सभी जिलों में इस तरीके से रोष प्रदर्शन करने हैं, उसी के तहत आज हम अलग अलग जन संगठन उनके प्रतिनिधि इकट्ठे होकर यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो घटना है ये अकेली घटना हाथरस की घटना नहीं है, ये लगातार जब से बीजेपी सरकार आई है चाहे वो केंद्र में है चाहे वो राज्यों में है ये लगातार मामले बढ़े हैं, विशेषकर से यूपी में। और इस घटना के बाद भी वहाँ पे बुलंदशहर की घटना है और भी कई जो बलरामपुर की घटना है उसमें दलित युवती के साथ जो है इसी तरीके से दरिंदगी हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। कई बार ये बात आती है कि ये दलितों की बात ही क्यों है, क्योंकि ये जो सरकार है ये महिला विरोधी तो है ही है, दलित विरोधी भी है ये सरकार। और ये आपको आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 10 दलित युवतियों के साथ बलात्कार होता है। और यहाँ पे भी आपने देखा हरियाणा में भी जो बल्लभगढ़ की घटना 2 दिन पहले हुई इसकी भी हम इस मंच के माध्यम से निंदा कर रहे हैं।